अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इकराज ब्यूटी एंड किचन। व्यूवर्स, आपके आईलैशेस और आपके आईब्रो का खूबसूरत होना आपको एक स्टाइलिश और स्मार्ट लुक देता है, दूसरों से अलग हटकर। ठीक है, हर लड़की की तमन्ना होती है कि उसके आईब्रो और आईलैशेस जो हैं वो बहुत अच्छे, आईब्रो जो हैं वो थिक घने हों और जो आईलैशेस हैं वो हमारे लंबे और थिक हों, मतलब। ठीक है, आज मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो मैं आप लोगों से रेमेडी शेयर करूँगी, उस रेमेडी को अगर आप लोग 15 डेज तक प्रॉपर अप्लाई करेंगे, 15 डेज तक रेगुलर यूज़ करेंगे उस रेमेडी को, तो आप लोगों के आईब्रो भी ग्रोथ करेगी और आई लैशेज भी ग्रोथ करेगी। आप लोगों के आईब्रो जो हैं वो थिक हो जाएंगे, घने हो जाएंगे और आई लैशेज लंबे भी होंगे और घने भी होंगे। ठीक है, बस आप लोगों ने रेमेडी को प्रॉपर देखना है और बनाने का तरीका और अप्लाई करने का तरीका सारा प्रॉपर देखना है और वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, रेमेडी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी हिट करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, इससे जो हमारी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा और फ्री में। ठीक है, और क्या करना था, और ये कि वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलिए क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। ठीक है, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक बाउल चाहिए, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने लेनी है एलोवेरा जेल। आप लोग कोशिश करिए कि आप लोगों को नेचुरल मिल जाए, अगर नेचुरल नहीं है तो फिर आप लोग इसका नेमुल बदल, मतलब मार्केट वाली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करनी है कि ये मिल जाए नेचुरल। ठीक है, इसका आपने गुद्दा निकाल लेना है। गुद्दा किस तरह निकालना, इसको पहले हल्का हल्का प्रेस करना है, इस तरह सॉफ्ट कर लेना है, फिर इसको नीचे को करके इसका गूदा निकाल लेंगे। 1 स्पून हमें इसका चाहिए पल्प। अब इसको ऐसे करेंगे और ये निकल आएगा। ये देखें जी, इस तरह दबा दबा के आप लोगों ने निकाल लेना। एलोवेरा जेल क्या करेगी, एलोवेरा जेल जिस तरह अगर आप लोग अपने बालों पे, हेयर पे अप्लाई करते हैं तो जिस तरह ये आप लोगों के बालों को शाइनी और ग्रोथ आप लोगों के बालों की करती है, इसी यही वही सेम काम जो है आप लोगों के आई लैशेज और आईब्रो पे करेगा। ठीक है, हमें 1 स्पून इसका पल्प चाहिए। इस तरह दबा दबा के सारा निकाल लेना है आप लोगों ने भी। ये देखिए जी, मैंने 1 स्पून जो है एलोवेरा का गुदा निकाल लिया है, इसी तरह आप लोगों ने भी निकाल लेना। आप लोग चाहें तो उसको कट करके साइडों से और ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका गुदा इस तरह भी निकाल सकते हैं, इस तरह भी निकाल सकते हैं, और दूसरा ये कि इसको कट करके यहाँ साइडों से और इसका छिलका उतार के इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है विटामिन ई के कैप्सूल, इवियोन के। ठीक है, इसको हम एक निकाल लेंगे। विटामिन ई के कैप्सूल किसी भी, जिस भी रेमेडी में आप लोग ऐड करेंगे वो रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, यानी कि उससे आप लोगों के हेयर भी ग्रोथ होंगे और आप लोगों की इसको कट करके इसमें ट्रांसफर करना। 1 कैप्सूल ही हमें चाहिए, सारे का सारा इसमें ऐड करेंगे। ये भी आप लोगों के बालों की ग्रोथ, आईब्रो की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, पूरे का पूरा निकाल के इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है कैस्टर ऑयल। ये देखें जी, कैस्टर ऑयल ले लेना है 1/2 टीस्पून। ठीक है, ये ऐड कर देना है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये हमारी रेमेडी बनके रेडी है। इसको अब आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, कोशिश ये करिएगा कि आप लोग रात को सोने से पहले इसको इस तरह अप्लाई करने में, अप्लाई करने का तरीका भी आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले स्पून को साफ कर लेते हैं, साइड पे कर देते हैं। फिर आप लोगों ने यह करना है, कोई भी आप लोगों के पास पुराना मस्कारा है तो आप लोगों ने वो ले लेना है। मेरे पास ये पुराना पड़ा हुआ था, ड्राई बिल्कुल। ठीक है, इसके इस वाले जो ये इसका ब्रश है उसके साथ आप लोगों ने इसको अप्लाई करना है। मैं आप लोग ये देखें जी, इसको वो अप्लाई कैसे करना है, इसी तरह ब्रश की मदद से आप लोगों ने ले लेना हल्का सा और अपनी लैशेस के ऊपर, मेरे पास मिरर नहीं है, इस तरह अपनी लैशेस के ऊपर इसको लगा लेना है। और आईब्रो के ऊपर भी इसी तरह आप लोगों ने अप्लाई कर लिया। ठीक है, अप्लाई करने के बाद फिर आप लोगों ने अपनी आई को बंद करके इस तरह हल्के हल्के हाथों से मसलना है। ठीक है, ये मेरा मस्कारा उतर रहा है
और उसके बाद ये जो है ये भी इसी तरह आप लोगों ने आईब्रो को भी इसी तरह रब करना है और दैट्स इट, बस इस तरह आप लोगों ने छोड़ देना है इसको। ये थी जी हमारी आज की रेमेडी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने बस इसको आप लोगों ने 15 डेज तक ज़रूर अप्लाई करना। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के जो आईब्रो हैं वो थिक और लैशेज जो हैं वो लंबे हों, आप लोग जब किसी 15 डेज अप्लाई करेंगे ना उसके बाद आप लोगों को फेक जो आई लैशेज हैं वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये थी जी हमारी आज की रेमेडी, उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। काइंडली अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फीडबैक वीडियो का कमेंट में नीचे ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। आऊँगी और अच्छी सी रेमेडी लेके, तब तक के लिए रह दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और